को मांग का हमारा पूरा समर्थन है। जैसा कॉमरेड राजा और सभी अन्य लोगों ने यह कहा, ये मोदी सरकार कानून लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मोदी सरकार पिछले दिन ने कानून लागू कर दिया, रिलायंस को हजारों करोड़ लाभ देने के लिए एक कानून लागू कर दिया, और मोदी सरकार कॉरपोरेटों के लिए कई कानूनों लागू कर रहा है सदन में, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जो गरीब आदमी है उसके लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई कानून नहीं है। और अभी जो लेबर कोड वो ला रहा है, वो लेबर कोड आपको जो अधिकार अभी मिल रहा है उसको भी छीन लेंगे। इसलिए हम भी सहमत हैं आपके साथ, वो लेबर कोड उसके खिलाफ हैं हम भी। और साथियों, उन्होंने, मोदी ने और भाजपा ने वादा किया था अच्छे दिन आएगा। अभी अभी कॉमरेड राजा आपसे पूछा, आपको अच्छे दिन आया? आप किसी को अच्छे दिन आया, लेकिन इस देश में कुछ लोगों को अच्छे दिन आया। अदानी को आया, अंबानी को आया, दोनों अंबानी भाइयों को अच्छे दिन आया, लेकिन आप जैसे लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को अच्छे दिन नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम प्रधान सेवक हैं, ठीक है, प्रधान सेवक हैं। किसका सेवक है? आपका सेवक है वो? नहीं, वो अदानी का सेवक है और रिलायंस का सेवक है, अंबानी का सेवक है, आपका सेवक नहीं है। और प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूँ। किसका चौकीदार? ये कॉर्पोरेटों का चौकीदार है। चौकीदार सो रहा और विजय मल्या करोड़ों रुपया छीन लेकर वो देश छोड़ा, नीरव मोदी देश छोड़ा। और अभी समय है, ये चौकीदार को इस पोस्ट से निकालने का समय आ रहा, आ गया है। चौकीदार को निकालना है आपको। मैं मेरा भाषण खत्म कर रहा हूँ। जो आवाज आप यहाँ इस सड़क में उठा रहा है, वो आवाज हम सब लोग मिलकर, अभी विनय विश्वम जी भी आया है, राज्यसभा का सदस्य है, हम सब लोग मिलकर दोनों सदनों में, राज्यसभा में और लोकसभा में आपका ये आवाज वहां भी उठाएंगे। इस वादा के साथ मैं मेरा भाषण खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। हमारा जो लोग केरल से आए हुए उसके लिए सिर्फ एक वाक्य में मलयालम में भी देखूंगा। കേരള തിരുവനന്തപുരം സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിവിടെ ഈ റോട്ടിൽ തെരുവിലുയർത്തുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സഭകളിലും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഉയർത്തുമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ യോജിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇടതുപക്ഷ എം പിമാർ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.